अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा अपना पुराना बचपन याद करने वाला हूँ, मैं अपने पुराने बचपन के शौक़ पूरे करने वाला हूँ, और वो हैं इन मोटरों के ज़रिए। ये जो छोटी छोटी मोटरें हैं, ये बचपन मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैंने काफ़ी ज़्यादा इनमें काम किया। मैंने छोटे से एम्पलीफायर बनाया था, मैंने एक छोटा सा UPS बनाया था, एक छोटा सा जनरेटर बनाया था जो कि पेट्रोल पर नहीं चलता था लेकिन वो चलता था और वो बिजली भी बनाता था। उसके अलावा मैंने एक छोटा सा सिटी बनाया था, गांव बनाया था, उसमें कुछ घरों को बिजली दी थी, उनमें से एक दो में UPS था, बहुत सी चीज़ें बनाई थी। और आज मुझे दोबारा ये करने का मौका मिल रहा है और वो भी इस छोटे अली की वजह से, क्योंकि ये इसकी यही फील्ड है। और आज यहाँ पे कोई अपना प्रोजेक्ट लेके आया हुआ था, तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया है तो मैं इसकी हेल्प भी करूँगा और साथ में अपना छोटा सा ब्लॉग भी बनाऊँगा। अच्छा, तो अभी ये हमारी छोटी सी मोटर पड़ी है यहाँ पे, ये एक IC लगा हुआ है इस चिप पे। ये आपको चिप बाज़ार से मिल जाएगी, ये बड़े साइज़ की आती हैं, आप उसमें काट के अपने साइज़ का रख लें। ये इसकी वायर है, यहाँ से हम इधर से यहाँ पे नहीं कनेक्टेड, ये नीचे से IC से कनेक्टेड है। अभी यहाँ से इसकी वायर कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे LDR था इसका, LDR ये आपको मैं LDR दिखाता हूँ। ये एक LDR होता है, ये एक LDR है। इसमें होता है कि अगर यहाँ पे अगर लाइट टच करती है या कुछ भी, अगर आप ये एक्चुअली ना रेज इमिट करता है, तो अगर आप इसके ऊपर लाइट लगाएंगे, अगर इसके ऊपर कोई भी रोशनी लगेगी, तो उससे होगा ये कि वो जो मोटर है, मैं फोकस करना है, वहाँ पे जो मोटर है वो एक्टिवेट हो जाएगी और ये IC उसको कमांड देगा कि किस तरह से काम करना है। अब यहाँ पर छोटी सी LED ऑन हुई है, तो ये LDR को हम एज़ अ लाइट डिटेक्टर यूज़ करेंगे इसमें। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला LDR अभी काम कर रहा है, अभी जैसे ये लाइट ला रहा है ये बज़र काम कर रहा है इसमें, लेकिन मैं इसको अगर कवर करता हूँ तो अभी वो नहीं चल रहा, लेकिन मैं जैसे उंगली उठाऊँगा इस तरह से ये LDRs काम करते हैं। ये हमारे पास एक्स्ट्रा LDR पड़ा हुआ है, तो अभी फोकस क्यों नहीं आ रहा, तो LDR को हम कनेक्ट करेंगे उससे, ताकि जब उस पर लाइट लगेगी तो वो IC मोटर को कमांड देगा कि वो आगे मूव करे। तो बेसिकली एक छोटा सा वो है फायर वाला रोबोट है, जैसे ही आग लगेगी तो ये रोबोट ख़ुद को उस आग वाली जगह की तरफ लेके जाएगा। अभी इस पर काम हो रहा है और स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि मैंने अभी स्पॉइल कर दिया प्रोजेक्ट को तो अभी हम इस पर काम करेंगे, तो मैं आपको छोटा सा टाइम लैप्स भी दिखा दूँगा अगर मैं कर सका तो। मेरे से फातिमा, कल आप गई थी गैरेज, गई थी वहाँ पर, क्या हुआ था बंदे के साथ, वो बंदा जो गाड़ी के नीचे आ गया था, क्या हुआ था? मुंडा चिट्टू वाला नीचे आ गया बंदा, ओहो क्या हुआ था फिर बताना। बंदा क्या, सही बताओ ना, ऊंचा बताओ। नहीं बताओ मुझे, नहीं बंदा नीचे आ गया था, ओ फिर फिर वो निकला कैसे था वहाँ से? अच्छा एक दफा जॉनी जॉनी सुना दो। हाँ सुनाओ ना जॉनी जॉनी। ऊंचा सुनाओ। मेरे से बताओ जॉनी जॉनी सुनाओ। ऐसे नहीं कहते मेरी सब आत्मा। अब सुनाओ मुझे जोनी जोनी। ओए ऐसे नहीं करते। एक कैमरा तक आज तो मेरी कसम से उल निकल गई है, मेरी बिल्कुल उल निकल गई। ये सारा सामान ये अभी पड़ा हुआ है, दो बेड नीचे पड़े हुए हैं, ये सामान, वो फ्रिज, ये असल लोगों का सारा सामान था, ये वाशिंग मशीन जो मैं भूल चुका हूँ, सारा का सारा रखना था। दो दफ़ा हम गाड़ी लेके आए हैं, मैं, हसन और अली, हम तीनों थे, और अभी पसीना मेरे माथे से आप देख सकते हैं। बहुत बुरे हालात हैं, शर्ट सारी गीली हो चुकी है, शाम 6 बजे के लगे हैं, अभी 10 हो गए हैं। अभी सुबह एक दफ़ा फिर सामान लेके आने, काफ़ी ज़्यादा सामान था इनका,
या अपने पुराने घर में थोड़ा शिफ्टिंग कर रहे हैं क्योंकि नया घर बनवा रहे हैं, वहाँ पे जगह नहीं थी, सो इन्होंने अपना सामान पुराने घर में रहना था। अब भी कह सकते हैं कि मेरी उल निकल चुकी है, ना मेरी बिल्कुल उल निकल गई। बर्गर बिल्कुल जी, लेट्स गो। बर्गर वाले भाई के पास हम आ चुके हैं, नया बर्गर बनवा रहे हैं। वो भाई तो नहीं है, आसम भाई आपको बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। आप मुझे पता है मेरे व्लॉग्स देखते हैं और आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। बर्गर बनवाएं चार, मेरा, हसन का, अली का और एक शहजाद का। पंप पे जाएंगे उसको देंगे बोतल, और कोक हमारी फेवरेट वो भी कह दी है। शानी को बहुत मिस कर रहे हैं, शानी को कोक ज़्यादा पसंद है, शानी को, जरार को बहुत मिस किया कोक का नाम लेके, हम तीनों की ये फेवरेट है, हम काफ़ी ज़्यादा कोक पीते हैं। पीछे मेरे यहाँ पे सोडे वाले भाई साहब फायरिंग कर रहे हैं, यानी कोक ठंडी या कोक। हम गाइस आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी थकी हुई वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मेरे रातों काफ़ी थक गए थे। अभी आए हूँ वहाँ से, थोड़ा सामान कुछ और रह गया था वो अभी शिफ्ट किया है, तो वापस आके अभी भी नाश्ता किया है, अभी वीडियो एडिट करूँगा फिर अपलोड करूँगा, टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं भी ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।